राम राम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 7 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम अभी फिलहाल चोबली में है, ये जगह का नाम है चोबली। यहाँ बस पड़ाव का यात्री का बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रक्षालय और यही हम खड़े हैं। खुला जगह है, देख सकते हैं आप लोग। और हवा बहुत मस्त चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। यहाँ से हम आए और रुके, हम टॉय टप्पा देख लेते हैं। और अच्छा जगह लगा अपने को, बहुत बढ़िया जगह लगा। तो ठीक है दोस्तों, सफर तय करेंगे अब देख से नजारा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हमारा राजमाता खड़े हैं दोस्तों। ये सेकंड वाला टायर था मेरा, वो आपको लिफ्ट वाला में, और ये था सेकंड में। तो ये देखिए, इसको लिफ्ट में लगा दिए, ये टायर को, काहे कि टायर दबा दिया है ना, देखिए खट्टा बना दिया है, इसलिए इसको इसमें कर दिए। और उसमें माल है तो इसको यहाँ करा दिए हैं, लगा दिए हैं सेकंड वाला में। तो अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। और हमारा टायर पंचर होने के कारण से लेट हो गया, और पार्टी बार बार भाई माल अर्जेंट है। तो सही बात है भाई, माल तो अर्जेंट होना है, माल तो अर्जेंट होता ही है। अब शॉर्ट हो गया तभी अगला फ़ोन किया, 11 बजे रात में उन्होंने हमको फ़ोन किए। हम बोले आपका 5 तारीख को सवेरे पहुँचेंगे, अगर टायर नहीं पंचर हुआ रहता तो आज हम उनके पास मतलब पहुँच जाता दोपहर तक। लेकिन कोशिश करते हैं, देखिए कहाँ तक सफर तय होता है। गाड़ी लेके हम चल दिए और 7:20 बज चुका है, अब सफ़र तय करते हैं। तो लातूर पड़ेगा, देखिए लातूर कितना टाइम लगता है जाने में। मौसम बहुत ठंडा है, हवा बहुत ठंडा चल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कड़क धूप होते रहेगा, लेकिन बारिश इधर हुआ है उसके वजह से जमीन में नमी आ गया है, ठंडापन आ गया है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। और इधर लोग अपना जुताई कोड़ाई भी कर रहे हैं, खेती के किसानों के काम सब इधर देख सकते हैं आप लोग, जुताई भी कर दिए हैं। और हरा भरा भी बाजार में पेड़ पौधा उग रहा है, सब हरा हो रहा है। तो ठीक है, ये तय कर दिए हैं, चल दिए हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, सफर करते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं देखिए। ये नंदगांव टूल प्लाजा चालू हो गया है, ये लातूर इलाका में पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग नया। लातूर देखिए मार्केट में है, सब्जी ले रहे हैं, टमाटर ही है मेरे पास में, तो टमाटर ले रहे हैं, आम ले रहे हैं, इसको आम को उबाल को और शरबत बना के पिया जाएगा, गर्मी का मौसम है। और मर्चा भी ले रहे हैं, कितनी दिन, ये आधा किलो टमाटर ले लिया और आधा किलो आम ले लिए और मर्चा 10 का ले लिए, इसलिए कि मर्चा सुखा गया है, टमाटर नहीं था। तो आम ले लिए है ना, कि इसको पकाएंगे, उबालेंगे और इसको बनाएंगे शरबत, और गर्मी के दिन में पीना चाहिए, लू से बहुत बचाव रखता है, लू नहीं लगता है पीने से। पूरा मार्केट लगा हुआ है, चारों तरफ सब्जी है, सब्जी है, हरा सब्जी मिलता है, खुला जगह है यहाँ पे, पूरा फोलन कंप्लीट बन चुका है। दस बज के 20 मिनट हो गया, और देखिए मूढ़ी है और ये मिक्सचर इसमें डाल के मिला दिया हूँ, और ये प्याज है, मरचाई है, आज ये नाश्ता करते हैं, रखा हुआ था गाड़ी में, दो पॉकेट रखा हुआ था, एक अपने सब्सक्राइबर भाई साहब दिए थे, तो अभी ध्यान में आया हमको, मैं चलिए है तो काम में आ जाता है। तो देखिए हम नाश्ता करते हैं इसी को, जय मानपूर्णा। ये आ गए तुलजापुर रोड पे, फुल टैक्स है, सोलापुर फुल टैक्स पे आ गए हैं, ये फुल टैक्स है।
ये देखिए क्या लगा रहा है जवान, इसका सेंसर सही नहीं है, सेंसर खराब है, इसके कारण उठा नहीं, नहीं तो भाग देगा उड़ जाता। जहाँ पर सेंसर सही है ना, देखिए अभी गया तो बटन दबाया तो उड़ गया। ये ओवर ब्रिज है, बस्ती है, देख सकते हैं, ये बस्ती के नाम है तालवाड़ी। देखिए ओवर ब्रिज चढ़ रहे हैं, बहुत काफी है, गाड़ी भी चलाना पड़ रहा है, हालत भी खराब, टायर भी गर्म हो रहा है, गाड़ी तो गर्म नहीं गर्म हो रही है, लिमिट है, आराम से चलते रहिए, प्रियसिस गाड़ी है। दोपहर का 3 बज गया और रोटी ये तड़का लग गया और इधर एक गिलास दूध आ गया है और ये सलाद है, तो खाना खाते हैं। गाड़ी मेरा रोड के उस पार में खड़ी है, ये होटल है ही। जय गरम है जय। हेलो दोस्तों, शाम को 6:15 बज चुका है और हम यहीं पर रुक गए थे खाना वाना खा के, दोपहर में आके यहाँ पे, तो अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं। हम लोग देख सकते हैं जो पीछे वाला रास्ता है ना, ये आ रहा है तुलजापुर से और ये रास्ता जाएगा आपको सोलापुर। यहाँ पे देखिए सूर्य अस्त हो रहे हैं, देख सकते हैं सामने सूर्य एकदम लाली मार दी है, झाड़ के छिप रहे झाड़ से, और बगल में पेट्रोल पंप है, गाड़ियाँ आ रही है। देखिए यहाँ पे पूरा ऊंचा है और बगल में डाउन जगह है, पूरा झाड़ी है, जंगल है। अब हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों, हम जल्दी निकलना खाएगा, सफ़र करना है अपने को 350 किलोमीटर तक यहाँ से। 8:45 हो चुका है और देखिए मलाई रोटी ये लग गया, मलाई और रोटी, मलाई रोटी खाएंगे, नमक मिर्चा इसमें है और थोड़ा शक्कर भी डाला हुआ है, और फिर मलाई रोटी खा के फिर निकला जाएगा चाय वो पी के। देख सकते हैं भाई साहब लोग खा रहे हैं सब, ये है मलाई रोटी, देखिए आ गया मेरा। चाय भी बन के आ गया मेरा, अब चाय पीने जा, उसके बाद निकलेंगे हम। रात का 9 बज चुका है और हम गाड़ी में आ गए हैं और मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो गया है और ये लाइट भी जल गया है देखिए, और हम अब निकलने वाले हैं। और देखिए आ गए हम मलाई रोटी खा के और गाड़ियाँ हमारी चली गई कंपनी वाली, और देखिए रोड के उस पार में होटल है, बगल में भी होटल है, लाइट लूट लगा हुआ है, पार्किंग बहुत बढ़िया है। तो हम सफ़र तय करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। ये सोलापुर हम पहुँच गए, यहाँ से दहीने घूमेंगे, राइड मारेंगे, यहाँ से दहीने मार रहे हैं, देखिए घूम रहे हैं, और एक भाई साहब कार वाले आ गए ज़बरदस्ती, घूम गए हम। ब्रिज के सर्विस रोड है, आगे जाके चढ़ेंगे, ये सामने भी एक छोड़ा हुआ है छोटा वाहन जाने के लिए, 4-व्हीलर और 2-व्हीलर, यहाँ पे ब्रेकर लगा दिया है, कहे कि रास्ता आता है ना बगल वाला, देखिए ये जो बगल वाला इसके लेके यहाँ पे, और देखिए भाई साहब ने घुसा रहे गाड़ी कैसे गलत किया है ये लोग, देखे यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पाए घूमना हमको, देखिए ये सीधा चलेगा पूरा, हम पाए घूम गए, देखिए सीधा चल जाएगा पूरा ब्रिज है, आइए आगे जाके एक और हमको बाएं मार के फिर दहीने घूमना पड़ेगा, दो को ब्रिज पार करके, देखिए ब्रिज बना हुआ है, और उसी से हम वापस आके टीम टर्न लेके फिर इधर जाते हैं जिस रोड में आए। ये ब्रिज का नजारा देखिए, कितना सुंदर ब्रिज बना हुआ है,
पूरी लाइटिंग से एकदम इतना खूबसूरती लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, चकचका दिया है लोग चारों तरफ में लाइट है लाइट। 6 लाइन है ये ब्रिज, ओवर ब्रिज जो बना हुआ है, ये मंगल मीणा के मतलब सोलापुर पार करने के बाद में पड़ता है ये रास्ता। और देखिए कितना ही सुंदर, कितना अच्छा, इतना बेहतरीन लग रहा है कि अब क्या बता सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और देखिए यहाँ से कोल्हापुर 196 किलोमीटर है। सोलापुर रोड में आके चढ़ने के बाद में तीसरा जो पुल टैक्स है दोस्तों, वहाँ पे हम आके रुक गया था रात में करीब करीब आपको 3:30 बजे के लमसम में। सुस्ती आ रहा था तो सो गया, अभी नींद खुला है तो फ्रेश व्रेश आ गए कूलर कलर करके, तो हमें ही रुका, यहाँ से निकलना है। तो अब देखिए आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।